कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को भारत जोड़ो यात्रा में 9वीं प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नई दिल्ली में उन्होंने मध्य प्रदेश का भी जिक्र किया। राहुल ने दावा करते हुए कहा, मैं आपको एक बात दिख कर देता हूं कि कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को जीतेगी, भाजपा वहां दिखाई नहीं देगी। मध्य प्रदेश में तूफान आया हुआ है और वहां हर कोई जानता है कि भाजपा ने वहां पैसा देकर सरकार बनाई है। पूरा प्रदेश गुस्से में है। प्रदेश में 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। बता दें, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल को बोला था कि उनका चेहरा सद्दाम हुसैन जैसा हो गया है। इसी के बाद राहुल ने टिप्पणी की थी। इससे पहले नवंबर में राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भाजपा सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त का जिक्र किया था। उन्होंने खरगोन में कहा था, भाजपा ने मेरी छवि खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने मेरी एक छवि बनाई है। लोग सोचते हैं कि यह मेरे लिए हानिकारक है, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए फायदेमंद है, क्योंकि सच्चाई मेरे साथ है। सत्य को छिपाया नहीं जा सकता। उन्होंने मेरी छवि खराब करने के लिए जितना पैसा खर्च किया है, उतनी ही ताकत मुझे दे रहे हैं। राहुल गांधी के मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत और भाजपा के सफाई के बयान पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, राहुल का बयान मुंगेरी लाल के हसीन सपने जैसा है। राहुल खेत पर खड़े होकर खलिहान की बात करते हैं और खलिहान में खड़े होकर खेत की बात करते हैं। 48 घंटे पहले ही कांग्रेस नेता दिग्विजय के छोटे भाई लक्ष्मण सिंह ने यह खुलासा किया है। कमलनाथ के सर्वे में कांग्रेस की हालत बद से बदतर है। राहुल गांधी को कमलनाथ के सर्वे की जानकारी नहीं है। स्क्रिप्टेड बयान देना राहुल की आदत है। राहुल गांधी सरकार बनाने का दावा करने से पहले किसानों को जवाब दें, जिनसे उन्होंने 2 लाख की कर्ज माफी का वादा किया था। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना छोड़कर यथार्थ की बात करें। राहुल गांधी कहते हैं कि वो लिख कर देंगे। मेरी चुनौती है कि बिना किसी से पूछे 2 लाइन लिख कर दिखाएं। कांग्रेस, मैं आपको एक बात लिख के दे देता हूं अभी, कांग्रेस मध्य प्रदेश के चुनाव को स्वीप करेगी, बीजेपी वहां दिखाई नहीं देगी। मैं आपको गारंटी करके, आप लिख लो और उस समय मुझे बता देना। मध्य प्रदेश में हर व्यक्ति जानता है कि बीजेपी ने सरकार को चोरी करके पैसा देके बनाया है, तो पूरा पूरा प्रदेश गुस्से में है।